हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लिस। एंड टुडे टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है, उसके बाद इसके हैबिटेट एंड जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनके बारे में, मेजर थ्रेट्स क्या हैं एंड एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया उनका नंबर और कहाँ कहाँ पर लोकेशन है उनकी, उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे माइक, MIK। ठीक है, और उसके बाद माइक साइट्स होंगी, एक माइक एक प्रोग्राम है इसके बारे में बात करेंगे, इसकी कौन कौन सी साइट्स हैं। ठीक है, और फिर साइटीज़ बोलते हैं। ठीक है, एक UN का ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि एलिफेंट जो हमारा है, जो नेशनल प्राइड का एनिमल है इंडिया में, उसका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और साइट्स 1975 में उसकी पोजिशन क्या है, और कई सारे मेजर इनिशिएटिव्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट, जैसे कि एशियन एलिफेंट अलायंस, हाथी मेरे साथी एंड गजराज, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि एलिफेंट प्रोजेक्ट जो हमारा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसके बारे में। ठीक है, तो एलिफेंट थोड़े बात कर लेते कि एलिफेंट है क्या, इसके बारे में थोड़ा इसके जो आइडियाज़ के फीचर्स जो होते हैं वो बात करते हैं। तो इंडियन एलिफेंट इज ए स्मॉलर, अगर हम जैसे बात सुना होगा कि एक अफ्रीकन एलिफेंट होता है उससे अगर हम कंपेयर करें तो जो इंडियन एलिफेंट है वो साइज़ में भी छोटा होता है और उसके जो कान होते हैं ना वो भी छोटे होते हैं। किससे कंपेयर करें? अफ्रीकन एलिफेंट से। दूसरा, इंडिया में एलिफेंट जो होता है अपना उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका और कुछ वेस्टर्न घाट के जो हमारे स्टेट्स हैं, स्पेशली सेंट्रल एंड सदर्न एरिया जो वेस्टर्न घाट का है उसमें, और सदर्न पेनिनसुलर इंडिया जो महाराष्ट्र वगैरह आता है, छत्तीसगढ़, इस वाले एरिया में एलिफेंट पाया जाता है इंडिया में। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा और इसकी जनरल आइडिया की बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्या है इसके बारे में। जो एवरेज हाइट है एक एडल्ट एलिफेंट की वो 9 फीट के करीब होती है, और जैसा कि पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम ने आपने देखा होगा कि फीमेल जो होती है मेल के कंपेयर में थोड़ी छोटी होती है, सेम वही कंडीशन यहाँ भी है, फीमेल शॉर्टर होती है मेल के कंपेयर में। दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसके बारे में वो इसके टस्क, जो कैनाइन टीथ होते हैं इसके जो बाहर निकले हुए होते हैं, जिनसे मॉडिफाइड करने के बाद उन्हें हम डिफरेंट टाइप के बहुत ही एंटिक प्रोडक्ट बनाते हैं जिन्हें हम इबोरी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है टस्क, और टस्क क्या होते हैं, इसके टीथ होते हैं जो बाहर निकले होते हैं। ठीक है, जिनकी जो लंबाई होती है लगभग 1 मीटर तक हो सकती है और वजन की बात करें तो 5 किलोग्राम तक। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, और इसी यही प्रॉब्लम करता है सबसे ज़्यादा एलिफेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यूएशन है, इसी वजह से इसकी पोचिंग करी जाती है जो मेजर थ्रेट है। ठीक है, उसके बाद इसकी और फीचर्स के बारे में बात करें तो जैसे कि दूसरे एनिमल भी ग्रुप में रहते हैं उसी तरीके से एलिफेंट भी ग्रुप में रहता है, हर्ड्स में रहता है, मतलब ग्रुप्स में। दूसरा, टाइगर की तरह ये भी वाटर लविंग है, हर्बीवोर्स है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टाइगर के अपोजिट हर्बीवोर्स, ओनली फीड्स अपॉन दी वेजिटेबल्स वाले जो हमारे सेलुलोज कंटेनिंग डाइट्स होती है उस पर फिट करता है। पुअर इनसाइट, आई की जो क्षमता होती है देखने की थोड़ी कम होती है, बट सेंस एंड स्मेलिंग और हेयरिंग की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और बात कर लेते हैं, एक घटना होती है इसमें, एक प्रोसेस, एक इवेंट होती है मुस्त, जो कि इसका जस्ट सेक्सुअल मैनिफेस्टेशन है, और मेनली इसमें से मेल जो है रिप्रेजेंट करता है दिस, बट समटाइम्स फीमेल ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस। ये होता है कि एक सेक्सुअल अर्जमेंट की प्रोसेस होती है जैसे ब्रूटिंग पीरियड होता है, और स्पेशली इसमें जब इसमें इसकी एंड्रोजन जो एक हार्मोन्स होता है, मेल सिक्रीटिंग हार्मोन्स होता है, वो जब इसके ब्लड में सिक्रीट होता है तब ये मतलब प्रोसेस जो होती है, एबियंट जो होती है वो मैनिफेस्ट होती है, मतलब दिखाई देती है। तो दोनों में होती है मगर स्पेशली मेल में होती है। उसके बाद एक जनरलाइज बात करें क्वेश्चन की फार्म में, तो एक ग्लोबल या वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, जैसे 29 जुलाई को टाइगर का बताया था, ऐसे ही 12 अगस्त जो है, 12 अगस्त ऑफ एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे। उसके बाद एक और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, जनरल आइडिया की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने 2010 22 अक्टूबर को ये क्लियर किया कि एलिफेंट जो है हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है, मतलब ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है एलिफेंट के लिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, प्रोजेक्ट टाइगर, वो सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में स्टार्ट हुआ था। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? देखिए, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है इसके ऑब्जेक्टिव की हम जब बात करेंगे, तो इसमें इन्होंने वाइल्ड के अलावा डोमेस्टिकेट की भी बात करी है। एक होता है वाइल्ड में जब कोई जंगल भी फार्म में प्रेजेंट होता है एलिफेंट, तो इसके प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट, देयर हैबिटेट, उनके रहने की जगह है, और उनके जो कॉरिडोर्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं उनके बारे में प्रोटेक्शन की बात करना मेजर ऑब्जेक्टिव्स है प्रोजेक्ट एलिफेंट का। ये देखिए वाइल्ड
एलिफेंट से कंसर्न्ड है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है टू एड्रेस द इशूज ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन और जो एलिफेंट के बीच में जो झगड़ा होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट जो इशूज हो जाते हैं, उन्हें मतलब एड्रेस करना, उनकी पहचान करना, उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे कि एलिफेंट कंजर्वेशन वो आसानी से हैंडल किया जा सके। ये भी बाइट से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट जो है कि वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का एक जीवन यापन का एक धंधा होता है कि वो एलिफेंट के थ्रू फॉरेस्ट एरिया में लकड़ी को ढोते हैं, बुट्स बड़े बड़े। दूसरा सर्कस वगैरह में आपने देखा होगा, ये तो बहुत कम हो गया इंडिया में। तो एक कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेटेड वाले जो एलिफेंट हैं, जो लोग ही अपने उसमें हैं, उनके वेलफेयर के बारे में बात करती है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, अब इसके बाद इस प्रोजेक्ट की हाईलाइट की कहाँ कहाँ पे स्टार्ट है, कितने स्टेट्स में, ये बात करेंगे। हाईलाइट्स अबाउट द प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रेजेंटली जो है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया के 22 स्टेट में कंटिन्यू है, मतलब चल रहा है। ठीक है, इसमें से देखिए 17 जो हैं स्टेट्स हैं जिसमें एलिफेंट पाया जाता है, और 5 स्टेट वो हैं जिसमें एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाए गए। 17 और 5 22, इस तरीके से पूरा प्रोग्राम जो है आज इंडिया के 22 स्टेट्स में कंटिन्यू है। रेस्क्यू सेंटर वाले स्टेट्स हैं आपके हरियाणा, जबकि हरियाणा में एलिफेंट वाइल्ड स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब कॉरिडोर की फॉर्म में नहीं पाया जाता। वैसे इसमें एक जो आपका कलेशर सेंचुरी है नेशनल पार्क, उसमें एलिफेंट पाया जाता है बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ये 5 जो ऐसे स्टेट हैं जहाँ एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं, और प्रोग्राम पूरा 22 स्टेट्स में चलता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसीलिए देखो 17 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे एलिफेंट वाइल्ड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, 5 स्टेट में, वो भी 5 ऐसे में इंक्लूड है, मतलब 17 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे वाइल्ड स्टेट में पाया जाता है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे मतलब ये दूसरी कंडीशंस में, डोमेस्टिकेटेड कंडीशन में। या थर्ड है कि जो एलिफेंट रिजर्व बनाए गए, 3 नंबर्स में ध्यान रखना है, एलिफेंट रिजर्व के नंबर ध्यान रखना है आपको, एलिफेंट कॉरिडोर के नंबर ध्यान रखना है, और एक आएगी माइक साइट्स। अभी पूरा क्लियर हो जाएगा माइक क्या होता है, तब बात करेंगे। ठीक है, 3 डेटा ध्यान रखना है इसमें, 17 स्टेट में वाइल्ड है, टोटल प्रोग्राम चल रहा है 22 स्टेट में, एलिफेंट रिजर्व का नंबर 32। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर थ्रेट क्या है, जो प्रोग्राम लाने की वजह क्या हुआ, थ्रेट से तभी तो प्रोग्राम आया। ये जो हमारे फॉरेस्ट एरिया थे उन्हें एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जैसा कि हर एक केस में हो रहा है। दूसरे भी जो प्रोजेक्ट थे दूसरे एनिमल्स के लिए, उसमें भी मेजर थ्रेट यही था कि कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। एंड फिर आता है जो हमारे आजकल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जो हमारा सेटलमेंट्स एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का पॉइंट, ये भी इसी में आता है। और थर्ड वन है पोइचिंग, शिकार करके उन्हें मार लाते हैं चोरी से। किसके लिए मारते हैं उन्हें, टस्क लीड टू हाई डिस्पेट सेक्स रेशियो इन मेनी पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए टस्क जो हमने बताया, एवोरी जो है केवल मेल एलिफेंट के उससे बनती है, टीथ से बनती है। ठीक है, जब मेल की हम शिकार करते हैं तो एक टाइम ऐसा आया कि मेल का नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। ये बिल्कुल रियल आंकड़ा है कि आज के टाइम में 27,000 एलिफेंट इंडिया में हैं। ओके, और इसमें से ओनली 1,000 या कहते हैं 1,200, मतलब 1,200 जो हैं केवल मेल हैं, बाकी जितनी बची हैं फीमेल हैं। मतलब इस पोइचिंग किसका करते हैं, मेल का। इससे क्या हुआ, सेक्स जो रेशियो है मेल एंड फीमेल का वाइल्ड में, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एलिफेंट का हम जनरल को थोड़ी सी जूलॉजी हम देखते हैं, इसके बारे में साइंस क्या है एलिफेंट का, जो जूलॉजी में स्टडी होती है कि भाई कौन सी फैमिली का है, बॉटनिकल सॉरी जूलॉजिकल नेम क्या है। तो देखिए जूलॉजिकल नेम एलिफेंट, जो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया आता है एशिया में, तो हम अपने एशियन एलिफेंट की बात करते हैं। सबसे पहले एलिफास मैक्सिमस, ये हमारा एशियन एलिफेंट का जूलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। इसके बाद अफ्रीका में पाया जाता है, उसकी 2 स्पीसीज होती है। इंडिया मतलब एशिया में पाया जाने वाला एक ही है, अफ्रीका में 2 टाइप के हाथी पाए जाते हैं कह सकते हैं, लेक्सोडोंटा अफ्रीकाना, जिसे अफ्रीकन बुश एलिफेंट बोलते हैं, और एक होता है लेक्सोडोंटा साइक्लोटिस, इसे अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से 3 टाइप के हाथी हैं पूरी दुनिया में। फैमिली है एलिफेंटेडी। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व का नंबर ऑलरेडी हम बता चुके थे 32। अब बात करते हैं जो एलिफेंट है इसका नंबर एज पर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, और साइट एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, जो एलिमेंट जो हमारे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं प्लांट हैं उनके जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसे कंट्रोल या रेगुलेट करता है, मतलब उन्हें रोकता है एक तरीके से, एक ऑर्गेनाइजेशन है 1975 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इसके इनकी एक का शेड्यूल होता है, दूसरे का अपेंडिक्स होता है। तो IWPA जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो शेड्यूल वन में इसे इंक्लूड कराया गया एलिफेंट को, इसी तरीके से साइट की अपेंडिक्स वन में इसे इंक्लूड किया गया। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, कई बार पूछे गए। ठीक है, तो IWPA के जो शेड्यूल वन में है और साइट के अपेंडिक्स वन में एलिफेंट को इंक्लूड किया गया। इनके बहुत सारे प्रोविजन होते हैं कि साइट वन का क्या मतलब होता है, साइट टू का। आपको केवल इतना ध्यान रखना है
कि साइड के अपेंडिक्स वन में और IWPA के शेड्यूल वन में एलिफेंट को इंक्लूड किया गया। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर जो मैंने रखा है, आपको रिमाइंड करना है कि एलिफेंट कॉरिडोर का आज 2020 जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें ये नंबर जो है एलिफेंट कॉरिडोर का वो 101 नंबर है। अब देखते हैं एलिफेंट, व्हाट इज एलिफेंट कॉरिडोर, होते क्या है। देखिए, जब कोई दो मेजर हमारे ये सपोज कर लें ये हमारे फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे एलिफेंट रहता है, ठीक है, इनका एरिया मान लें कि 100 एकड़ है, इसका भी 100 एकड़ है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए केवल 10 एकड़ का एक फॉरेस्ट रूट मतलब बीच का हो सकता है, ये फॉरेस्टेड भी हो नॉन फॉरेस्टेड भी हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसे बोला जाता है एलिफेंट कॉरिडोर। देखिए, ए नैरो स्ट्रिप ठीक है आप फॉरेस्ट आर नॉन, दोनों तरीके हो सकती है, बिल्कुल एरिया हो फॉरेस्ट का नॉन फॉरेस्टेड, दैट कनेक्ट द लार्जर हैबिटेट विद एलिफेंट पॉपुलेशन, जो हैबिटेट पॉपुलेशन को एक फॉरेस्ट की दूसरे फॉरेस्ट की जो एलिफेंट पॉपुलेशन उन्हें आपस में जोड़ सके, और जोड़ने से क्या होगा उनके बीच, देखिए उनका मूवमेंट होगा, ये कॉरिडोर करेगा कंड्यूट मतलब चैनल का काम करेगा, रास्ता का काम करेगा, चैनल का मतलब इधर से उधर दोनों एक फॉरेस्ट के एक रिजर्व के एलिफेंट उस साइड में चले जाएंगे, उधर के इस साइड में आ जाएंगे, चैनल का कंड्यूट का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए बिटवीन द हैबिटेट। एंड अब जब मूवमेंट होगी तो एक पूरा रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि उनमें रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन मतलब उनका बर्थ कंट्रोल बना रहेगा, और इससे क्या होगा वो स्पीसीज सर्वाइवल मतलब एलिफेंट का सर्वाइवल बना रहेगा। अगर हम रिप्रोडक्शन, एक दुनिया में रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है, अगर हम इसे रोक दें, कैसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, अगर हम रिप्रोडक्शन को रोक दें तो बाकी सभी प्रॉब्लम्स या जो भी चीज़ें चल रहेंगी अर्थ पे सब खत्म हो जाएंगी। तो रिप्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बायोलॉजिकल साइंस या बॉटनी या जूलॉजी की हम बात करें, तब यहाँ पे स्पीसी सर्वाइवल के लिए और बर्थ कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, एलिफेंट कॉरिडोर्स। अब एलिफेंट कॉरिडोर्स के आज जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हम एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या है कि जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ कॉरिडोर्स हुआ है वो नॉर्थ वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इन स्टेट्स में जो एलिफेंट कॉरिडोर को बहुत नुकसान पहुँचाया पब्लिक कंसर्न के थ्रू, ठीक है, बट साउथ इंडिया जो है अपना उसमें जो है सबसे कम फ्रेगमेंटेशन हुआ है एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में। कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ की पब्लिक कंसर्न नहीं बल्कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ के जो एलिफेंट कॉरिडोर थे वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरियाज में बनाएगा, प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इन्हें ऑलरेडी गवर्नमेंटली जो मतलब होती है ना लॉ के अकॉर्डिंग लीगली मतलब बैकअप मिला हुआ है कि उन्हें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से आपके साउथ इंडिया में एलिफेंट ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर जो है पूरी तरीके से प्रिजर्व हैं। जैसे इंक्लूडिंग आज जो 2017 की जो एलिफेंट सेंसस हुआ उसमें ये पाया गया कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं 6000 के समथिंग, उसके बाद आया है आसाम और थर्ड पे आया केरला, मगर एक टाइम जो था ये आंकड़ा केरला में भी नंबर एक था, बट आज की जो रिसेंट सेंसस बताता है कि सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट हैं वो आपके कर्नाटका में, सेकेंड वन आसाम और थर्ड वन इज़ केरला, ठीक है। तो इसकी वजह ये क्या है कि वहाँ का जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उन्हें लिस्ट फ्रेगमेंटेशन हुआ है। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वो इन बिटवीन द प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच में बनाए गए, और जो लीगली बैकअप होता है उसमें कोई छेड़खानी कर नहीं सकता क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। अब बात आती है कि प्रोडक्शन ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर, तो आप समझ गए होंगे एलिफेंट कॉरिडोर का प्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, द मूवमेंट इज एसेंशियल, मूवमेंट का मतलब रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर देयर पॉपुलेशन आर जनरली वायबल, बनी रहेगी वरना तो खत्म हो जाएंगे। एंड आल्सो हेल्प टू रीजनरेट फॉरेस्ट, जब देखिए एलिफेंट रहेगा तो इकोलॉजिकल सिस्टम मतलब फूड वेब एंड फूड वेब का प्रॉपर चैनल चलता रहेगा, उससे क्या होगा वहाँ पे जो फॉरेस्ट है टाइगर लियोपार्ड इनकी सबकी नंबर मेंटेन रहेगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कह रहा है कि नियरली 40% ऑफ द एलिफेंट रिजर्व्स जो है इंडिया में, एलिफेंट रिजर्व की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉरिडोर की बात नहीं कर, ध्यान रखना 40% एलिफेंट रिजर्व जो है इंडिया में वो वन लेवल मतलब ओपन टू अटैक, उन्हें बहुत आसानी से लोग पब्लिक कंसर्न्स के थ्रू हम उन्हें डैमेज कर सकते हैं या डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, भी उसकी वजह क्या है, दे आर नॉट विद इन प्रोटेक्टेड एरिया, वो प्रोटेक्टेड एरियाज में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है कि आल्सो द माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैव नो स्पेसिफिक लीगल प्रोटेक्शन, क्योंकि वजह क्या है, जो कॉरिडोर्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं मोस्ट ऑफ दी मतलब कॉरिडोर्स इंडिया में जो 101 हैं उसमें से उनके पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए वो उनका बहुत आसानी से इन्हें हम क्या करना चाहिए वो ख़त्म हो रहा है, उन्हें डिस्टर्ब करा जा रहा है, उससे क्या है एक तरीके का स्ट्रेस है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एलिफेंट।
ठीक है। अब यहाँ से क्लियर होगा आपका कि आगे के टाइम में जो एलिफेंट कॉरिडोर डिक्लेयर करेंगे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्हें जो टाइगर टास्क फोर्स है उन्होंने ये एडवाइस दिया कि आप इन्हें अंडर टू कैटेगरी में डिक्लेयर करें, आप जिससे इन्हें लीगल बैकअप मिल जाए, लीगल बैकअप मिल जाएगा तो इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। एक बोला इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स की फार्म में इन्हें डिक्लेयर करें और दूसरा इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व की फार्म में डिक्लेयर करें, ठीक है। तो दोनों तरीके से करने में इन्हें लीगल बैकअप मिल जाएगा जिससे कि इनका प्रिजर्वेशन बहुत ही ईजिली हो जाए, आसान हो जाएगा, इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स के बाद हम देखते हैं रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन, उसके क्या मतलब क्यों प्रॉब्लम्स है, डिस्ट्रक्शन क्यों होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट हैव टर्न्ड इनटू द फॉर्म्स, ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अनचेक टूरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, ब्लॉकिंग जो एनिमल पाथ को ब्लॉक करने का मतलब कॉरिडोर डिस्टर्ब हो गया, एनिमल्स आर दस फोर्स्ड टू सीक अल्टरनेटिव रूट, इससे क्या होता है वो उन रास्तों को छोड़कर दूसरे रास्तों में मतलब विचरण करना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है वो जो ह्यूमन की जो सेटलमेंट होता है, हमारी जो बस्तियाँ होती हैं उधर की तरफ धान की फसल होती है उसे खाने की तरफ निकल आता है, और उससे क्या होता है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। एज ए रिजल्ट आप इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन की भी डेथ होती है, ह्यूमन का भी लॉस होता है और कहीं ना कहीं एलिफेंट का भी लॉस होता है। तो रीजन क्या है इसके, पहला रीजन तो यही था कि आप फॉरेस्ट टर्न इन टू फॉर्म्स एंड अनचेक टूरिज्म, ये इस पर रोक लगाई जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे जो रेगुलेशंस हैं बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, उससे क्या होता है वो भी कहीं ना कहीं जो कॉरिडोर्स हैं उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। तीसरा हैबिटेट लॉस, ये तो जन इन्हीं दोनों से क्लियर हो गया। तीसरा थर्ड पॉइंट है कि जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है अपना, उसमें कोल एंड मिनिंग दोनों मेजर थ्रेट। क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि इन सेंट्रल इंडिया में मेजर थ्रेट फॉर द एलिफेंट या एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए, तो आपका आंसर होगा कोल माइनिंग एंड आयरन माइनिंग, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फोर्थ वन आप बात कर सकते हैं ये पोइचिंग, हमने बताया ना आइवोरी एंड टस्क के लिए। दूसरा जो ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट टू स्मॉल ग्रेजिंग, उनके जो ग्राउंड्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं रिजर्व का एरिया, तो इससे प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें। अब इनके सोल्यूशन की बात करते हैं कि भाई इन्हें कैसे करके हम इम्प्रूव करें। देखिए इनका इम्प्रूव करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका हमने वही बताया था आपको कि कॉरिडोर्स डिक्लेयर एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, किसी भी जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरी, इनके बाहर का कुछ एरिया, कुछ दूरी तक का एरिया उसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बोलते हैं। बट इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये लीगल बैकअप रखता है, मतलब इसे हम लॉ के थ्रू इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है वहाँ का ऑफिशियल्स, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, या इन्हें कहा जाए कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की जो इक्विवेलेंट इन्हें स्टेटस मिल जाए तो उसे इन्हें लीगल बैकअप मिल जाएगा, या फिर हम इन्हें कंजर्वेशन जोन बना दिया जाए तब भी इन्हें क्या होगा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ध्यान रखना आपको ये कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स और कंजर्वेशन जोन दोनों को लीगल बैकअप, लीगल प्रोटेक्शन तो मिलता है मगर दो डिफरेंट लॉ के थ्रू मिलता है। वो हमने अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनाया है इस पे बेस्ड एमसीक्यू, उसमें ये बात क्लियर बताई है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को लीगल बैकअप कौन देगा और कंजर्वेशन जोन या कम्युनिटी रिजर्व्स को लीगल बैकअप कौन सा रूल देता है, ये ध्यान रखना है। मगर दोनों को लीगल बैकअप, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल उन्हें कैसे करके प्रोटेक्ट, हाउ बी प्रोटेक्ट एलिफेंट कॉरिडोर। तो हमने कहा कि भाई इन्हें इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर करा जाए या फिर कंजर्वेशन या जो कम्युनिटी रिजर्व्स हो, एक टर्म और है इसके अलावा कंजर्वेशन जोन के अलावा एक टर्म्स आता है कम्युनिटी रिजर्व्स का, कम्युनिटी रिजर्व भी डिक्लेयर कर सकते हैं तब भी इन्हें लीगल बैकअप मिल जाएगा। दूसरा है कि जो कॉरिडोर्स बनाए जाएँ तो वो नियरली कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड एरिया के पास में बनाए जाएँ, जिससे आसानी होगी कि हम इन्हें इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। थर्ड पॉइंट है कि मॉनिटरिंग फॉर एनिमल मूवमेंट हैड टू बी कैरिड आउट इन ऑर्डर टू सिक्योर द कॉरिडोर एज पर नीड एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन। डिक्लेयर करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि रियली यही कॉरिडोर जो मतलब रियल मूवमेंट है, मतलब यहीं पर मतलब जो हमारा मतलब एलिफेंट है गजराज जो है वो इसी में मूवमेंट करते हैं, उससे ये होगा कि हम कभी ऐसा होता है कि मूवमेंट का रूट कोई और था, कॉरिडोर कोई और डिक्लेयर कर दिया, तो इससे प्रॉब्लम्स होती है कि पब्लिक को ऑलरेडी कि कौन कौन सी चीज़ छोड़ी जाती है, तो पूरा एरिया मतलब कॉरिडोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉनिटरिंग करें किसके एनिमल मूवमेंट का, टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट रूट ऑफ देयर मूवमेंट, उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी कहीं ना कहीं इनके जो डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स है। और थर्ड पॉइंट है कि फोर्थ वन कि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव मतलब जो कम्युनिटीज हैं, जो उनके आसपास कम्युनिटी है जिनसे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें रीलोकेट कर सकें, किसी दूसरे स्थान पर विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक सोल्यूशन है इस चीज़ का। अब बात करते हैं इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए इंटरनेशनल लेवल पे या एज वेल एज नेशनल लेवल पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है एक हाथी मेरे साथी, आपने मूवी देखी होगी राजेश खन्ना और उसकी, उसी तरीके से एक नाम है हाथी मेरे साथी, एक इनिशिएटिव है जो 2011 में शुरू हुआ था। उसके बाद है एशियन एलिफेंट अलायंस, ये जो है एक ग्लोबल मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक इनिशिएटिव है जिसमें दुनिया की 8 वो कंट्री जिनमें एलिफेंट पाया जाता है उन्होंने एक अपने आपस में मिलकर एक
इनिशिएटिव लिया, जिसे हम बोलते हैं एशियन एलिफेंट एलाइंस। दुनिया की नहीं बल्कि एशिया की, आप कह सकते हैं कि आउटसाइड हमारा इंडिया है तो वो दुनिया भर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिला हुआ है, बट उसमें एशिया की 8 कंट्री हैं। अब उसके बाद है गजराज, ये 2017 का एक प्रोग्राम है, ये भी एक इनिशिएटिव है, पब्लिक इनिशिएटिव है, तो हम इनके बारे में वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। देखिए हाथी मेरे साथी क्या है, ये एक जो एलिफेंट टास्क फोर्स होती है, देखिए एलिफेंट टास्क फोर्स या टाइगर टास्क फोर्स, कोई भी टास्क फोर्स जो मेंटेन करी जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत मेंटेन करी जाती है, और वो एडवाइस करती है किसी एनिमल के स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए कोई इनिशिएटिव चलाया जाए। ठीक है, ध्यान रखना है कि हमेशा टास्क फोर्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर होती है। तो इसका जो थीम था वो क्या था, हाथी मेरे साथी जो इनिशिएटिव था, गजा, गजा का मतलब होता है एलिफेंट से और प्रजा का मतलब होता है पब्लिक से। ठीक है कि गज और प्रजा दोनों एक साथ साथ मतलब रहे, एक दूसरे को जाने। स्टेटस क्या था इसका, एक पब्लिक इनिशिएटिव था जिसका एम था इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द पीपल अबाउट अमंग द पीपल एंड डेवलपिंग फ्रेंडशिप कैंपेनियनशिप बिटवीन द पीपल एंड एलिफेंट। इसका ये मकसद था कि लोग मतलब थोड़ा सा हाथियों के बारे में अच्छे से जाने, एलिफेंट के बारे में उनसे दोस्ती फ्रेंडशिप टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप हो सके। अच्छा कब स्टार्ट हुआ था, 2011 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, किन लोगों ने करा था, इसमें देखिए एलिफेंट एट करके एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में 24 मई 2011 को। ठीक है, और इसमें जो 8 कंट्री थी वो ध्यान रखना आपको, सबसे पहले इंडिया में हुई तो इंडिया होगा, तंजानिया, श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया और रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड बोट्सवाना, थाईलैंड, ये 8 कंट्री थी। इन्होंने आपस में इनिशिएटिव लिया हाथी मेरे साथी। अब इस प्रोग्राम को आगे चला कौन रहा है, ये बात है, सलाह उन्होंने दी थी टास्क फोर्स ने, मगर इसे जो फंडिंग करना है, इसे जो आगे के प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना है, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एज वेल एज जो हमारे पब्लिक का मतलब एक ट्रस्टी है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI, ये इसे अब जो है मिलके चला रहे हैं। ठीक है, दूसरा इनिशिएटिव इसका इनिशिएटिव क्या था, इंप्रूव कंजर्वेशन एंड वेलफेयर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द एलिफेंट। ठीक है, अब दूसरा इसका इनिशिएटिव है एशियन एलिफेंट अलायंस। देखिए ये क्या है, इसमें कुछ नहीं, ओनली 5 NGOs हैं जिनके नाम है एलिफेंट फैमिली, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर एंड IUCN नीदरलैंड्स, IUCN पूरा नहीं, IUCN नीदरलैंड का केवल, और बर्ड लैंड ट्रस्ट और बर्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो फिर से आ गया आपका एक वाला। ठीक है, ये 5 NGOs मिलके एशियन एलिफेंट अलायंस को चला रहे हैं। ठीक है, और ये कितने स्टेट में चल रहा है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा है कि आपके पास जो इंडिया के पास 101 जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उसमें से हम 96 कॉरिडोर्स को मतलब सुनिश्चित कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे। ठीक है, और 5 ऑर्गेनाइजेशन का ये अपना एक इनिशिएटिव है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो लास्ट वन जो इनिशिएटिव है गज यात्रा। गज का मतलब हाथी से होता है। अब इसका स्टेटस क्या है, नेशनल वाइड कंपेन है, पूरे इंडिया में बाहर नहीं है, टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट। कब स्टार्ट हुआ था, देखिए 12 अगस्त को मनाते हैं बर्ड एलिफेंट डे, उसी के दिन 2017 में इसे 12 स्टेट जहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं एलिफेंट, उन लोगों ने अपना ये इनिशिएटिव लिया गज यात्रा। और इसे केवल जो स्टार्ट किया था WTI मतलब वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है ओनली, और एम क्या था, प्रोटेक्ट करना, पीपल को अवेयर करना अबाउट द एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में, देखिए एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में एलिफेंट करना। ठीक है, ये सब इनिशिएटिव। अब हम अपने टॉपिक पर रिटर्न हो जाते हैं, हमारा जो टॉपिक है एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, ये कितने स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है, 22 हमने बताया ना, 17 तो इसके वो स्टेट और 5 में इसके रेस्क्यू सेंटर्स हैं, इस तरीके 17 हो गए। ठीक है, 22 अब ये आपके स्टेट के नाम है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से ये 17 स्टेट के नाम हो गए। और अब हम बात करते हैं साइट, इंपॉर्टेंट बात है, साइट पे अलग से वीडियो बनेगा, साइट एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे हम केवल साइट का रोल बता रहे हैं कि एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसमें साइट का क्या रोल है। देखिए साइट का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड होता है इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, किसकी, फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फौना, इसके बारे में जो होता है, इसका फुल फॉर्म ये बनता है। अच्छा, इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो लोग जो पार्टीज थी, जो इसमें कंट्री थी, असेंबलेड कंट्री, वो वॉशिंगटन में कलेक्ट हुआ जो कि यूएसए की कैपिटल है, तो इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो आइडिया जो इसका चल रहा था लोगों के बीच 1960 चल रहा था, बट ये रियली इन्फोर्स में आई 1975 में। ठीक है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द डिफरेंट कंट्री की गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, यूएन का इसमें चूंकि यूएन लीड कर रहा था, तो इट इज यूएन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हु प्रिवेंट द ट्रेडिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो मैं बात कर रहा हूँ उसका क्या मकसद था, देखिए टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल,
कि उनके ट्रेड से उनके सर्वाइवल पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उनकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि उन्हें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। बिकॉज ट्रेड इन द वाइल्ड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अक्रॉस द बॉर्डर बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है, एफर्ट रेगुलेट इट रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सेफगार्ड सर्टेन स्पीसीज फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इस तरीके से अगर बहुत सारी कंट्री आपस में इनके ट्रेड पर रोकथाम करें तो बहुत सारे एनिमल्स को हम सेफगार्ड कर सकते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। टुडे इट अकॉर्ड्स वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें बहुत सारी डिग्री ऑफ मतलब प्रोटेक्शन की, मतलब इसका पूरा एक संविधान टाइप का है इसका, वो है जैसे हमने बताया ना अपेंडिक्स बोला जाता है कि अपेंडिक्स वन में कौन सा एनिमल है, अपेंडिक्स टू में कौन सा एनिमल है, इस तरीके से। और आज जो है साइट के पास 37,000 स्पीसीज का रिकॉर्ड है जिनके ट्रेड को ये इंटरनेशनल मार्केट में रोकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो 32 एलिफेंट रिजर्व्स हैं उन किस किस स्टेट में कौन कौन सा है, या चूंकि ये बहुत बड़े एरिया जो होते हैं ये बहुत मोस्टली जो है ये बाउंड्रीज पे बिटवीन द टू स्टेट्स, जैसे रायला आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है, इसी तरीके से श्रीवैलीपुत्र जो है तमिलनाडु में पूरी तरीके से है, ये ध्यान रखना है। अब राजा जी और शिवालिक उत्तराखंड में है पूरी तरीके से, अन्नामोडी तमिलनाडु केरला की बॉर्डर पे है तो दोनों का नाम आएगा इसमें, कप कोयम्बटूर और अन्नामलाई जब पूरी तरीके से तमिलनाडु में, इसी तरीके से नीलांबूर वायनाड एंड पेरियार फुल्ली केरला में लोकेटेड है, मैसूर और नीलगिरी, देखिए मैसूर तो केरला कर्नाटका में और नीलगिरी जो कर्नाटका तमिलनाडु में, हम सुनोगे पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी तीन स्टेट में आती हैं, यहाँ पे तो नीलगिरी जो आपका एलिफेंट रिजर्व है वो कर्नाटका तमिलनाडु में, केरला का पार्ट इसमें नहीं आता। अब खासी हिल्स एंड गारो हिल्स हमने सुना होगा, मेघालय में तीन पहाड़ियाँ हैं खासी गारो एंड जयंतिया, ठीक है, इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है तभी से बोलते हैं ना मेघालया, मेघ बादलों का मतलब घर से बोलते हैं, इसलिए बारिश होती है यहाँ पर, चेरापूंजी है मेघालय में, खैर में खासी हिल्स एंड गैरो हिल्स, ठीक है, दोनों जो ये एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं मेघालय में, इस तरीके से इंटेकनी ईस्टर्न द्वार का मतलब होता है ये वेस्ट बंगाल आसाम, देखिए आसाम जो है आपका वेस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और वेस्ट बंगाल जो है एक टाइम में इसे ईस्टर्न द्वार बोलते थे कि ईस्ट में जाने का रास्ता यहाँ से निकल जाता है, जो चिकन नेक बोलते हैं ना, बहुत छोटा सा रास्ता है इन सेवन स्टेट को जोड़ता है, वो वेस्ट बंगाल से जाता है सिलीगुड़ी से। इसके बाद आता मयूर झरना, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ये तीन आपके वेस्ट बंगाल और नागालैंड के, उसमें आसाम और वेस्ट बंगाल में है इस तरीके से। इसके बाद आप आगे देखते हैं चिरांग रिपू धनसरी लुडविंग एंड काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एंड धिनगिन पटकई, ये तीनों कहाँ पे हैं, बल्कि चार, ये आसाम में है, ये देखिए आसाम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मैं आठ के जब मैं कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड आया वो सेकेंड टाइम पे आसाम में सबसे ज़्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं। उसके बाद साउथ अरुणाचल एंड सोनितपुर, ये दोनों आपका आसाम अरुणाचल प्रदेश में है और कमेंग अरुणाचल प्रदेश में पूरी तरीके से लोकेटेड है। इसके बाद बादल खोल तमोर पिंगला, ये छत्तीसगढ़ में है, लेमरू भी छत्तीसगढ़ में है, संबलपुर झारखंड उड़ीसा में है, इस तरीके से आता है मयूरभंज साउथ उड़ीसा एंड बैतमी, ये जो है आपका तीनों उड़ीसा में है। इसके बाद आता है महानदी, आपने देखा होगा ये तो महानदी उड़ीसा में है, और सिंहभूम ये झारखंड में है, इस तरीके 32 ये आपके एलिफेंट रिजर्व्स हैं जो इंडिया में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, माइक, माइक का मतलब होता है मॉनिटरिंग, मॉनिटर मतलब ना किसी को एसेस करना, देखना, दी इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, जो इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट की हो रही उन्हें मॉनिटरिंग करने का प्रोग्राम का नाम है माइक। किसने चलाया है, साइट ने, ठीक है, कब चलाया था, 1997 में इन्हें स्टार्ट किया था, ग्लोबल एक प्रोग्राम है 1997 में, अपने 10वें जो कॉन्फ्रेंस का पार्टी जो होता है, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कहने का मतलब जो साइट में मेंबर कंट्रीज हैं उनका 10वां जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1997 में, तब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ग्लोबल लेवल, बट साउथ एशिया में इसकी शुरुआत हुई है 2003 में, ठीक है। और हमारे प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है इंडिया में चल रहा है, उन्होंने इसे 2004 में साइट से कहा कि हम इसे चलाएंगे, तो इन्होंने अपने 12 स्टेट में जो हाईली मतलब पॉपुलेशन वाले एरिया हैं उनमें इसे 2004 में एडॉप्ट कर लिया, ये ध्यान रखना है। देखिए पूरा प्रोग्राम साइड ने शुरू कर रहा था अपने 10वें सम्मेलन में 1997 में, जे साउथ एशिया में इंडिया भी आता है, साउथ एशिया में 2003 में स्टार्ट हो गया, ठीक है, मगर इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत इसे 2004 में अडॉप्ट किया है, पूरा क्लियर। अब माइक है क्या, पहले इस पर बात करते हैं। माइक एक साइड बेस्ड सिस्टम है, सिस्टम का मतलब प्रोग्राम टाइप का, साइट का मतलब ये जनरल नहीं चलता, केवल उन साइट पे बात करता है जहाँ पे जो इलीगल किलिंग हो रही है एलिफेंट की, वहाँ पे ये साइड बेस्ड सिस्टम का मतलब ये, इट डिजाइन टू मॉनिटर ट्रेंड्स इन इलीगल किलिंग, ट्रेंड मतलब मॉनिटर करता है किस तरीके से इलीगल किलिंग बढ़ रही है, मॉनिटर ट्रेंड की बात करना, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, किस साल के मंथ में ज़्यादा होती है,
ठीक है, ऑफ एलिफेंट। इसके बाद इसका वर्क होता है बिल्ड मैनेजमेंट कैपेसिटी, मतलब इसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करेगा, उन्हें कैसे करके हैंडल किया जाए, बिल्ड मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प रेंज स्टेट। रेंज स्टेट जहाँ पे एलिफेंट पाया जाता है, मेक एलिफेंट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड इन्फोर्समेंट डिसीजन, और अच्छे से रूल एंड जो इसके खिलाफ पॉलिसी बनाई जा सके, इन्फोर्समेंट। ठीक है, इस तरीके से एक साइड वेज प्रोग्राम है, मॉनिटर करता है ट्रेंड इन इलीगल किलिंग, ये ध्यान रखना है पॉइंट आपको। अच्छा, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव आपके पास तीन है केवल, मेजर लेवल एंड ट्रेंड, ये ध्यान रखना, लेवल एंड ट्रेंड इन लीगल एलिफेंट किलिंग वाइल्ड में केवल, टू डिटरमाइन चेंजेस इन दिस ट्रेंड। फिर इसके बाद समय के साथ साथ मैंने बताया ना कि किस टाइम ज़्यादा होती है, किस टाइम कम होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है, साइट का मतलब तो लोकेशन की बात करते हो, कह रहा डिटरमाइन चेंजेस इन दिस ट्रेंड, जो ट्रेंड है किलिंग का उसमें ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ क्या चेंजिंग हुई, अब बढ़ रही या घट गई है, 1997 में कम थी या 2004 में कम थी, 2017 में ज़्यादा, इस तरीके से ट्रेंड ओवर टाइम उसे डिटरमाइन करता है। उसके बाद करता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी जो ट्रेंड है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, टू डिटरमाइन द फैक्टर्स काजिंग आर एसोसिएटेड विद दिस चेंजेस, जो मतलब ज़्यादा या कम में जो घटनाएं हो रही, कभी ज़्यादा किलिंग हो रही, कभी कम किलिंग हो रही, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं, उन पे मतलब ट्रेंड के साथ उन फैक्टर का रोल के एनालिसिस होना करना। अंडर माइक डेटा, अंडर माइक होता क्या है, देखिए डेटा कलेक्ट करते हैं सभी साइट्स, जो भी साइट्स हैं जहाँ पे किलिंग हो रही है उनसे, कहाँ पे मंथली बेसिस पे डेटा कलेक्ट करते हैं, और अपने जो इनके एक समिटेड टू सब रीजनल सपोर्ट ऑफिस, कहाँ पे साउथ एशिया प्रोग्राम का ऑफिस, देखिए पूरे साउथ एशिया का ऑफिस कहाँ पे आपका, दिल्ली में। ठीक है, वहाँ से भेजा जाता है डेटा को, और वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आपका एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसे देखा जाता है, जो इस प्रोग्राम का ऑफिस है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, फिर वो अपने प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है फॉरेस्ट एलिफेंट, सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसमें ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कैसे करके इसे और बेहतर करा जा सकता है कि इनका कंजर्व करने में आसानी हो सके। अब कह रहा रिलेशन प्रोजेक्ट एलिफेंट और माइक में रिलेशन क्या, देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट अपने आप में प्रोग्राम है, माइक एक इनिशिएटिव था साइट का, तो 2004 में प्रोजेक्ट एलिफेंट ने माइक को अडॉप्ट कर लिया। लिखा ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग माइक इन 10 एलिफेंट रिजर्व्स इन 1/4/2000, पूरी डेट बता रहा है, 10 एलिफेंट रिजर्व में, हमारे पास एलिफेंट कितने हैं 32, हमने 10 रिजर्व में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया माइक को, कि यहाँ पे देखते हैं ट्रेंड क्या है, कैसे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कैसे करके ट्रेंड घट और बढ़ रहा है इसकी किलिंग में। देखिए फिर वही बात आ रही है, साइट बेस्ड मॉनिटरिंग एलिफेंट मॉर्टेलिटी स्पेशली कलेक्ट दी रिकॉर्ड अबाउट द डेथ, दिस इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स, ये इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है एज स्टैंडर्ड फॉर्म्स, डिटेल ऑफ विच आर देन कंसोलिडेटेड एंड सबमिटेड टू द माइक प्रोग्राम फॉर एनालिसिस एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर मेकिंग ए पॉइंटिंग मैप फॉर द इलीगल एलिफेंट किलिंग। ठीक है, साइट बेस्ड मॉनिटरिंग एलिफेंट मॉर्टेलिटी के बारे में बात करता है, और इससे जो डेटा होता है उसे ये रिकॉर्ड करता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स, मतलब इसके कुछ अपने स्टैंडर्ड्स होंगे उन एज पर उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करता है, फिर उसके डिटेल्स को कंसोलिडेटेड मतलब एनालिसिस के बाद सबमिटेड करा जाता है माइक प्रोग्राम के अंतर्गत, किस लिए, एनालिसिस के लिए, और फिर वो एनालिसिस जो होती है हेल्पफुल फॉर मेकिंग ए पोचिंग मैप, कि कहाँ पर ज़्यादा हो रही, किस मत में ज़्यादा होती है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं एरियाज में वो कैसे कैसे इस ट्रेंड को बढ़ाए घटा रहे हैं। ठीक है, उस पर ये मैप तैयार करते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी कंट्री अच्छा कर रही है, तो केन्या बहुत अच्छा कर रही है माइक प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, अब अंडर दिस माइक प्रोग्राम कुछ माइक साइट डिक्लेयर करी गई पूरी दुनिया में, तो 50 साइट डिक्लेयर करी गई अफ्रीका में और 28 साइट डिक्लेयर करी गई आपकी एशिया में। अब उस एशिया में से जो है 13 कंट्री इन्वॉल्व हैं 28 साइट के लिए, अब इन 28 में से 10 साइट केवल इंडिया में, अब बची 18 साइट बची और 12 कंट्री बची जिनमें ये साइट रहेंगे, क्योंकि एक कंट्री अकेले हमारा इंडिया सिंगली 10 साइट्स रखता है ऑफ माइक। ठीक है, अब वो 10 साइट कौन सी, देखिए वही जो साइट अभी हमने गिनी उन्हीं में से वो साइट्स हैं, कोई नई नहीं है। चिरांग रिपू जो कि आपके आसाम वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है इंडियन भूटान वाले एरिया में है, बहुत बड़ा। ठीक है, उसके बाद दिनांग पटकई जो आसाम ब्रह्मपुत्र नदी के करीब में है, इसके बाद ईस्टर्न द्वार अभी बताया था वेस्ट बंगाल आसाम बॉर्डर पे, दियोमाली ये एक जे नया पॉइंट आया, दियोमाली जो एलिफेंट रिजर्व है ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश जो म्यांमार बॉर्डर पे है, और गैर होल सब बताया था मेघालय, मेघालय मतलब बांग्लादेश बॉर्डर पे, और यहाँ पे एक बालाबक्रम नेशनल पार्क भी है जो कि साउथ गैरो हिल्स में आता है। ठीक है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है गैरो हिल्स, इनके नाम ध्यान रखना है दियोमाली, और इसके बाद मयूरभंज उड़ीसा जो आपका सुना होगा सिंपलीपल नेशनल पार्क है उससे अटैच है, इसके बाद शिवालिक जो कि आपको उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कौन सा, राजाजी नेशनल पार्क, और कलेश्वर नेशनल पार्क जो है हरियाणा में, इसके बाद मैसूर
जी ध्यान रखना है तीनों। मैसूर का कहाँ पे है? मैसूर में आपका आता है कर्नाटका में, और कर्नाटका में आपके दो बहुत बड़े नेशनल पार्क हैं, बंडीपुर नेशनल पार्क और एक नागर होल नेशनल पार्क, जिसका अब नया नाम कर दिया गया राजीव गांधी नेशनल पार्क, ध्यान रखना है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैसूर में चूंकि 2017 का सेंसस ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर उसका नंबर है एलिफेंट का, वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये जो कॉरिडोर्स अगर आप इंडिया के मैप पर देखेंगे तो ये तीनों स्टेट जो है, मैसूर नीलगिरी वाला मतलब तमिलनाडु और केरला वाला, तमिलनाडु कर्नाटक और केरला, और वायनाड ओनली केरला, और मैसूर का पूरा तरीके से कर्नाटक, तो ये इस तरीके से कॉरिडोर बनता है इंडिया के मैप पे इस तरीके से। और इस कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा टाइगर का नंबर पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें जो नेशनल पार्क है वह भी इसी में पाए जाते हैं। देखिए मैसूर वाले में आपने देखा कि जो कर्नाटका में बंडीपुर और नागर होल, जिसका राजीव गांधी नाम रख दिया गया, न्यू मैक्सिमम एलिफेंट नंबर इन इंडिया इन दिस कॉरिडोर, मैसूर नीलगिरी एंड वायनाड। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैसूर आ गया कर्नाटका में, और आपका नीलगिरी आ गया तमिलनाडु में, और वायनाड आ गया आपका केरला में। इस कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा एलिफेंट का नंबर है, इसके बाद नीलगिरी का वही बात आई, नीलगिरी और वायनाड, इस तरीके से आपका ही। अच्छा बात करते हैं सेंसस की, टाइगर एलिफेंट का सेंसस की बात करते हैं। एलिफेंट सेंसस देखो, एक ही इंपॉर्टेंट बात ये, कंपेरेटिव स्टडी करना चाहिए। टाइगर का जो सेंसस होता है हर 4 साल में होता है, टाइगर साइज में छोटा होता है इसका टाइम कम होता है, एलिफेंट साइज में बड़ा होता है इसका 5 साल में, हर 5 साल में हम एलिफेंट का सेंसस करते हैं, हर 4th साल हम करते हैं टाइगर का सेंसस। तो 2002 हम एक आंकड़ा बता रहे हैं, 2002 फिर 2007 2012 2017 सबसे रिसेंट हमारे पास जो सेंसस है वो 2017 का है। इससे पहले भी बहुत सेंसस हुए, मगर हमें यहाँ पे केवल इतनी बताना था कि 2002 2007 2012 2017 सबसे रिसेंट सेंसस है। ये ध्यान रखना सबसे बात कि एवरी 5 ईयर्स पे होता है। अब एलिफेंट काउंटिंग की मैथड कौन सी, 2 मैथड जैसे वहाँ पर बात करी थी, एक कैमरा ट्रैपिंग टाइगर केस में ऐसी सेम वही बात है कि यहाँ पर हम साइटिंग ऑफ एलिफेंट को हम देखते हैं, कैमरा ट्रैपिंग नहीं, हम उन्हें साइटिंग से देख के करते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट मैटर, हम उनका जो फीकल मैटर होता है डंग डिक्के वाला फार्मूला, उससे हम उन्हें का नंबर काउंट करते हैं एलिफेंट की। ठीक है, ये 2 मेथड है। अब 2017 का सेंसस देख लेते हैं, बहुत सारी बातें हम बताई चुके हैं कि 2017 का सेंसस जो था आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में लोकेटेड, इसकी मदद से करा था ANCF मतलब एशियन नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, ये कहाँ पे आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में लोकेटेड है, इसकी मदद से करा गया था 2017 में, और ये एक ऐसा अपने आप में सेंसस था जो पूरी इंडिया में करा गया था एक साथ। और ये सेंसस बताता है कि कर्नाटका जो है सबसे ज़्यादा है, मतलब हाइस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट, और उसके बाद सेकेंड वन आसाम, और थर्ड वन इज़ केरला। ठीक है, और मेथड कौन सी थी, डंग काउंट मेथड, जो उसके मटेरियल फीकल मैटर जो उनका होता ना बेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे मतलब हम काउंटिंग करिए। तो गाइस इस तरीके से एलिफेंट जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसके बारे में, माइक के बारे में, साइट का थोड़ा सा इनिशिएटिव, और इसके एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में जो इनिशिएटिव्स हैं इंडिया में, जैसे हाथी मेरे साथी, ठीक है, और जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, काउंटिंग सेंसस के बारे में बात कर लिया, तो इसमें सभी क्वेश्चन आपके, और जो रिजर्व हैं एलिफेंट रिजर्व 32 और कॉरिडोर्स 101, ठीक, और जो हमारे स्टेट्स हैं 22 17 हाईली वाले, और जो प्रोग्राम चल रहा है माइक भी 12 में चल रहा है, और ये कॉरिडोर वाला भी 12 स्टेट में चल रहा है जो हाईली मतलब एलिफेंट नंबर रखते हैं वहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ ये पूरा आपका लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉइंग दिस सेशन, एंड ऑल्सो आई होप दैट कि होल टॉपिक इज क्लियर टू यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।